ये भी बातें सामने आ रही हैं कि आप मतलब मध्य प्रदेश में भाजपा का एक बड़ा चेहरा है, कई बार सांसद रहे हैं, विधानसभा चुनाव आप मैहर से लड़ सकते हैं। ये तो देखिए पार्टी हम लोगों की भूमिका तय करती है कब क्या करेगी, कोई मेरी तरफ से कोई ऐसा होता। अपनी ही पार्टी के विधायक पर बीजेपी सांसद क्या नजरिया रखते हैं आपने सुन लिया। दोनों की दुश्मनी सियासत में कही जाती है, पार्टी भले ही एक हो दुश्मनी तो है। जो शुरुआत में बोल रहे थे और नारंग त्रिपाठी को लेकर अपनी बात रख रहे थे, वो सतना के सांसद गणेश सिंह हैं, कई बार चुनाव जीता है, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं। नारंग त्रिपाठी से उनकी अदावत छुपी नहीं है। दरअसल हमारे सहयोगी जो है उन्होंने सवाल किया था उनसे कि नारायण त्रिपाठी, आपको पता ही हाल में मैहर जिला बना है, उन्होंने कमलनाथ को भी धन्यवाद दिया था, सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी धन्यवाद दिया था, और मैहर जिला बनाने को लेकर नारायण त्रिपाठी काफी अरसे से मांग भी कर रहे थे, बड़ा उन्होंने इसको लेकर मुहिम भी छेड़ रखी थी। यही बात जब पूछी गई बीजेपी सांसद गणेश सिंह से, जो कि शहडोल पहुंचे थे जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में, तो वो कह रहे हैं नारंग त्रिपाठी जो हैं वो अपना निजी एजेंडा चलाते हैं, बीजेपी उनको समर्थन नहीं करती। जरा सुन लीजिए। मैहर को जिला बनाने में उन्होंने कमलनाथ जी को भी धन्यवाद दिया और शिवराज जी को भी, वो है आपकी पार्टी में है या अभी वो नई पार्टी बना के क्या है? असल पर क्या है, उनका अपना एक स्वभाव है निजी एजेंडा लेकर के काम करने का, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करती। और जब जिला बनाने की बात उन्होंने उस पर कमलनाथ जी ने से कराई थी, तो मैंने उसी पर पूछा था, भाई आपने जब जिला बनाने की बात कैबिनेट में पास किया था तो कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, नोटिफिकेशन तक नहीं किया। और वहाँ की जनता की मांग धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ी तो हम लोगों ने कोशिश किया, हमने सभी वर्गों के बीच में जाके बातचीत किया। गणेश सिंह ने साफ कर दिया बीजेपी उनके इस किसी निजी एजेंडे का समर्थन नहीं करती, यहां तक कि नारायण त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर भी बीजेपी सांसद से पूछा गया तो बीजेपी सांसद ने कहा कि पार्टी जो है वो तय करती है, मैंने इस तरीके की कोई सोच नहीं रखी कि मैहर से मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको पता ही नारायण त्रिपाठी के संग में दो तरीके की स्थिति है, नारायण त्रिपाठी एक तरफ अलग बिंद राज की मांग को लेकर लगातार मुखर है, वो अपनी पार्टी भी अलग बना चुके हैं लेकिन है बीजेपी में ही, मैहर जिला बना तो धन्यवाद दोनों को दिया उन्होंने। अब बीजेपी सांसद गणेश सिंह जो हैं वो नारायण त्रिपाठी का विंध्य क्षेत्र में पहले भी विरोध करते रहे, अब इस विरोध के बीच में एक बार फिर दोनों की ये अदावत सामने खुलकर इसलिए आ गई कि वो खुद ही कह रहे हैं कि उनका निजी एजेंडा है, बीजेपी सांसद कह रहे हैं पार्टी ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करती। मध्य प्रदेश की सियासत में खासतौर से विंध्य क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे, वहाँ ये चर्चा है और सियासी गलियारों में ये सवाल भी है कि नारायण त्रिपाठी आखिरकार किसके साथ हैं, कांग्रेस, बीजेपी या फिर वो अपनी पार्टी से ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोनों की जो अदावत है वो सामने आई और बीजेपी सांसद ने इसका इशारा भी दे दिया। शहडोल से आप तक खबर पहुंचाई रवि शुक्ला ने, आप देखते रहें एमपी तक।